हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि जी क्रिएशंस। मेरा नाम है आराध्या और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज रश्मि जी क्रिएशंस में कैसे हूँ। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मम्मी के थोड़ा सा मम्मा का काम थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया जाए, तो मैं इसलिए आ गई हूँ। और मैं मम्मी जैसा काम तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता और वो काम भी काफ़ी बारीकी का होता है, तो मुझसे तो नहीं होगा। पर आज हम लोग करने वाले कुछ न्यू, कुछ अलग, कुछ फंकी और कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो उसके लिए हमको मैंने सबसे पहले पूरा हमारा टेबल का मेकओवर कर दिया, मतलब यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैनवास शीट्स रख लिया मैंने। तो अब मेन इंतजार है तो अपनी आज की मेन खुफिया आइटम आने का। तो आज का खुफिया आइटम है, बिल्कुल सही जवाब, एक्रेलिक कलर। ऐसा वैसा एक्रेलिक कलर नहीं, फ्लूइड एक्रेलिक कलर। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो जाए, चलिए। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले, अनरैपिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी जिप लॉक खोलने की, जो खुल चुकी है। सबसे पहले निकलता है हमारे पास 5 कलर्स, हाँ 5 नियॉन कलर्स। मैंने नियॉन सेट लिया है और ये इसमें एक अच्छी आश्चर्य की बात भी है कि ये मैंने मम्मी को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इसमें है एक छोटू सा कैनवास, एक बड़ा कैनवास भी है, ये वाला, ये एक और बड़ा है, 8x8 20 सेंटीमीटर्स ईच साइड का कैनवास है। और अंतिम लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा ग्लोव्स का और एप्रन का सेट। इसमें है 2 हैंग्लर्स एंड एप्रन का सेट। आज हम लोग करने वाले हैं इनसे क्राफ्ट। तो उसके लिए मैंने एक अपना सीक्रेट यंत्र भी लिया है, विच इज हेयर ड्रायर। आज इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है हमें हमारे क्राफ्ट में। तो आज अब आपके क्राफ्टिंग चैनल रश्मि जी क्रिएशन की रियल होस्ट को बुलाने का समय आ चुका है। हेलो एवरीवन, अब आ चुके हैं अपने ही खुद के चैनल में। तो बाकी सारा इंट्रो वगैरह तो मेरी बेटी ने दे ही दिया है आपको, तो अब फटाफट से अपन क्राफ्ट का काम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अब बारी आ चुकी है एप्रन पहनने की। मम्मी पहन रही है एप्रन और मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। हमारे आज के मास्टर शेफ यानी कि सू शेफ। ऐसा तो मैं खाना बनाते समय भी नहीं पहनती हूँ, आज ये ट्राई करने के लिए मुझे ऐसा बोला गया है। नहीं तो खैर मैं तो इस तरीके से काम नहीं करती कि मुझे ये पहनना पड़े, पर सेफ्टी इज अवर फर्स्ट थिंग। तो हैंड ग्लव्स भी, कि चलो भाई ये सब ट्राई करके देख ही लेते हैं कि कैसे वर्क करना है। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने काम को। देखो यहाँ पे हैंड ग्लव्स पहने जा रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल, पूरी रेडी हो चुकी हूँ, है ना। मम्मा भी पहली बार कर रही है, उनको ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मुझे भी फर्स्ट टाइम में ट्रायल ले रही हूँ इसका, मुझे भी इसका कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पहले छोटे कैनवास का यूज करूंगी। ठीक है, अब मैंने ये कैनवास पर पहले ब्लू कलर डाल लिया है। जितना डार्क से लाइट लेंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग डार्क कलर से की जाए, फिर लाइट कलर का यूज़ करेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक आर्ट पीस है। जितना आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और ये आर्ट पीस बहुत ही यूनिक होते हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर सेल भी हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं इस लेवल पर नहीं हूँ, मैं अभी ट्रायल बेसिस पे हूँ, तो मैं अभी सीख रही हूँ। तो आप भी सीखिए, कोई भी चीज़ सीखना कोई टफ काम नहीं होता है, आप भी सीख सकते हैं। ओ वाह मम्मा, ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और ये जो डॉट डॉट्स लग रहे हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ बेटा एंजॉय करो, आप भी, आप ही ने तो मुझे गिफ्ट दिया है तो आपको तो देखना बनता ही है। अब मैं इसे हेयर ड्रायर से ब्लो करूँगी, तो देखिए कितना अच्छी वेव्स बन रही है।
तो थोड़ा मुझे टफ लगा कि वेव्स क्लियर नहीं बन रही, पर ये उसके बावजूद भी ये अच्छा दिख रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मम्मा ये तो कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी रैंडम करते जाओ, कुछ आखिरी में तो आर्ट पीस कुछ ब्यूटीफुली बन के आना है। ये तो बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा भी। आपको कैसा लगा बेटू बताना। मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। और अब आप लोग भी गाइस कमेंट करके बताएंगे कि मम्मी का आर्ट आपको कैसा लगा। ये फर्स्ट आर्ट था इसलिए इतना मम्मा ने ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाई है। सेकेंड आर्ट में मम्मी और वैरायटीज़ लाएगी और बहुत ही प्यारा बनाएगी। तो इसका पार्ट टू का वेट करिए, और जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।